छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल 22 फरवरी से 1 मार्च को पेश होगा प्रदेश का बजट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज दिल्ली में हो रही है बैठक, कई महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामलों में व्यापक निगरानी के साथ कठोर नियंत्रण के लिए फिर से ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। और आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर 4 दिन के वर्चुअल कार्यक्रमों का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं मनीष अहलूवालिया। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल 22 फरवरी से शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 25 और 26 फरवरी को की जाएगी। ये सत्र 26 मार्च तक चलेगा। इस दौरान सदन की 24 बैठकें होंगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने आज राजधानी रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सत्र के दूसरे दिन निधन के उल्लेख के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी। बाईस फरवरी को माननीय महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा और उस पर चर्चा होगी 25 और 26 फरवरी को। पहले दिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद समाप्त हो जाती है। दूसरे दिन निधन उल्लेख के साथ विधानसभा की शुरुआत होगी। श्री महंत ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनके पास वित्त विभाग का प्रभार भी है, वे 1 मार्च को प्रदेश का बजट प्रस्तुत करेंगे। प्रभार संभाल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। 1 मार्च को 12:30 बजे उनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। 2 और 3 तारीख को बजट पर सामान्य चर्चा होगी और 4 से लेकर 23 मार्च तक हम लोग अनुदान मांगों की चर्चा को लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि सत्र के लिए सदस्यों से 2,350 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। विधायक साथियों ने जो प्रश्नों की सूचनाएं भेजी हैं वो 2,350 है, जिसमें से तारांकित 1,226 है, अतारांकित 1,088 है। इस बार स्थगन प्रस्ताव के 24 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के 117 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और नियम 139 के अधीन जो अविलंबनी लोकमत के विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं उसकी सूचनाएं अभी एक ही आई है। उन्होंने बताया कि प्रशासकीय संकल्प की 9 और शून्यकाल की 18 सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कहा कि भारत के संविधान के सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे मूल्य गुरु रविदास के जीवन दर्शन के अनुरूप हैं। आज नई दिल्ली में श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुरु रविदास ने अपने समसामयिक समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के साथ ही भावी पीढ़ियों के लिए भी उज्जवल भविष्य की व्यवस्था की थी। हमारे संविधान द्वारा सुनिश्चित समता का अधिकार, अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकार भी संत रविदास के आदर्श समाज की ओर देशवासियों को आगे ले जा रहे हैं।
इसी प्रकार आधुनिक भारत की शासन व्यवस्था की दिशा बताने वाले हमारे संविधान में उल्लिखित अनेक नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट कहते हैं, उनके बारे में भी गुरु रविदास द्वारा सुझाए गए मार्ग का अनुसरण किया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु रविदास ने अपनी करुणा और प्रेम के दायरे से किसी भी व्यक्ति या वर्ग को बाहर नहीं रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी इस बैठक में मौजूद थे। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा राज्य प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता भी इस बैठक में शामिल हैं। भाजपा के महासचिव अरुण सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि बैठक में आत्मनिर्भर भारत अभियान और कृषि कानूनों पर भी चर्चा की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के अभियान पर चर्चा भी होगी, कृषि विधेयक पर भी चर्चा होगी, उसी के साथ साथ प्रदेशों द्वारा भी रिपोर्टिंग, अभी अलग अलग प्रदेश रिपोर्ट करेंगे, अपना वृत्त निवेदन करेंगे, जिसे हम बैठक में रखते हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी के द्वारा आने वाले समय में जिन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा उसकी भी घोषणा की जाएगी। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना संक्रमण काल की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए बधाई दी गई। हमने माननीय मोदी जी को सजग, संवेदनशील, संकल्पवान, यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें धन्यवाद दिया कि इस चुनौती के साथ साथ भारत न केवल कोविड से सफलतापूर्वक अभियान चलाता रहा, बल्कि दुनिया के सामने भारत को एक बेहतर तरीके से कोविड से निपटने के लिए क्या काम हो सकता है, ये सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी केंद्र सरकार द्वारा हर वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामलों में प्रतिदिन बढ़ोतरी का सामना कर रहे राज्यों को चुनिंदा जिलों में व्यापक निगरानी के साथ कठोर नियंत्रण के लिए फिर से ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस वृद्धि को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को आरटीपीसीआर जांच का अनुपात बढ़ाने के साथ ही रैपिड एंटीजन टेस्ट में नकारात्मक रिपोर्ट आने वाले लोगों का फिर से आरटीपीसीआर टेस्ट करने के लिए भी कहा है। मंत्रालय ने राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ कोरोना संक्रमण के बदलते स्ट्रेन पर नियमित रूप से निगरानी रखने की सलाह भी दी है। इधर छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 263 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक रायपुर में 75 मरीज मिले हैं, वहीं दुर्ग में 57 मरीज पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 3,10,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 3,03,800 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 3,000 से अधिक मरीजों का अस्पताल और होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। इस बीच भारत में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड वैक्सीनेशन के मामले में नए कीर्तिमान भी स्थापित हो रहे हैं। बीते 24 घंटों में 4,32,000 से अधिक लोगों को कोरोना टीके लगाए गए। इन्हें मिलाकर अब तक 1,10,85,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। वर्ष 1999 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था। शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषिता को बढ़ावा देना इस साल की थीम है। इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र इस अवसर पर 4 दिन के वर्चुअल कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। प्रदेश में भूजल संरक्षण और संवर्धन के लिए संचालित नरवा विकास योजना के जरिए राज्य के नदी नालों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी को सहेजने के लिए तेजी से नालों का निर्माण और पुराने नालों की मरम्मत भी की जा रही है। इसके तहत 1385 नाले चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 1372 नालों में वर्षा जल की रोकथाम के लिए बोल्डर चेक, गली प्लग, ब्रशवुड और परकोलेशन टैंक जैसी संरचनाओं का निर्माण और मरम्मत कर पानी को रोकने सहित भूजल स्तर बेहतर बनाने के लिए योजना पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा योजना के तहत अब तक 1310 नालों में बारिश के पानी को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के 71,000 से अधिक स्ट्रक्चर बनाए जाने को भी मंजूरी दे दी गई है। इनमें से 51,000 से अधिक स्ट्रक्चर का निर्माण हो चुका है। बीते 2 सालों में जल संरक्षण के बेहतर क्रियान्वयन से किसान अब बेहतर तरीके से फसल उत्पादन के साथ ही साग सब्जी की भी खेती करने लगे हैं। नालों के पानी को लिफ्ट करने से किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल रही है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना युवा बेरोजगारों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। इसके माध्यम से युवा अपना स्वरोजगार अपने द्वार पर शुरू कर रहे हैं। बिलासपुर जिले के हितग्राहियों ने बताया कि इस योजना के जरिए उन्हें आसानी से लोन मिल गया है, जिससे उन्हें काफी लाभ मिला है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से मैं पैसा उठाई थी तो उससे मेरे को बहुत लाभ मिला है और मैं आगे भी उठाना चाहता हूँ। और ये जो प्रधानमंत्री का जो योजना है ना, ये हर चीज योजना मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन लिया है और 50,000 लोन दिया है। हम जैसे बेरोजगारों के लिए प्रधानमंत्री ने एक अच्छा पहल किया है। बैंक में लोन बहुत जल्दी पास हो जा रहा है और इसके तहत मेरा कारोबार ठीक से चलने लग गया है। मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वहीं बिलासपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप प्रकाश ने बताया कि मुद्रा लोन के लिए आवेदन करना बेहद आसान है। इस योजना में 3 तरह के मुद्रा लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसको 3 हिस्से में बांटा हुआ है। 50,000 रुपए तक के लिए शिशु, 5 लाख तक के लिए किशोर और उसके ऊपर के लिए एक अलग स्कीम रहती है, बट 10 लाख तक ही मैक्सिमम दिया जाता है। ये न्यूनतम ब्याज दर जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो न्यूनतम ब्याज दर किसी भी व्यवसाय के लिए होती है उस पर इसमें ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिला उद्योग और व्यापार कार्यालय के प्रबंधक सतीश पटेल ने बताया कि इस योजना के तहत 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। हमारे जिले में मतलब जिला उद्योग केंद्र से मतलब जो भी आते हैं हितग्राही यहाँ से मुद्रा योजना के तहत लोन के लिए फॉर्म भरते हैं, जिसके 3 कैटेगरी में उसको बांटा गया है। एक शिशु, किशोर और तरुण में। शिशु में 50,000 तक के लोन का प्रावधान है और किशोर में 50,000 से 5 लाख तक लोन का प्रावधान है और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक प्रावधान है, जिसके तहत बैंक को पूरा अथॉरिटी रहता है कि मतलब हम लोग यहाँ से भेजते हैं, फिर लोन को सेंक्शन करने का पावर पूरा बैंक को रहता है और इसमें हितग्राही को सब्सिडी इसमें नहीं मिलता है, बाकी इसमें कुछ कम ब्याज में इसको मतलब इस लोन मिल जाता है हितग्राही को। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं बड़ी संख्या में आगे आ रही हैं। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल 22 फरवरी से 1 मार्च को पेश होगा प्रदेश का बजट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज दिल्ली में हो रही है बैठक, कई महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामलों में व्यापक निगरानी के साथ कठोर नियंत्रण के लिए फिर से ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है।
और आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर चार दिन के वर्चुअल कार्यक्रमों का आयोजन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।